स्वर्गीय रामविलास पासवान की कल पुण्यतिथि है, इसको लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। खुद उनके सुपुत्र चिराग पासवान यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुलास जी हैं, जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पर ये मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कल के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और रामविलास जी की यादों को आप कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं? देखिए, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पद्म भूषण हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय रामविलास जी की कल बरखी है और इसके लिए अरसे से तैयारी हम लोग अंदर अंदर कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि बरखी को ऐसे मनाया जाए कि बिहार के कोने कोने से लोग आएं और पुष्पांजलि हो। तो पहला निमंत्रण का था, हम लोगों ने पहले फेज में निमंत्रण बांट दिया है सभी जगह पे। कुछ जगह इक्का दुक्का अगर कोई निमंत्रण में भूल हो भी गया होगा तो हम लोगों ने पेपर अखबार के माध्यम से और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं कि पूरे बिहार की आवाम जो आस्था रखते हों हमारे अभिभावक और स्वर्गीय रामविलास जी के बरखी में आकर पुष्पांजलि करें। और जो भी आगंतुक आएंगे, महामहिम ने भी स्वीकृति दी है, विधानसभा स्पीकर महोदय ने कहा है और सभापति हमारे अध्यक्ष बाबू आएंगे, तो और बहुत सारे मंत्री, विधायक, एमपी, सांसद, देश के हर कोने से लोग कल पुष्पांजलि करने आएंगे। और हम लोग कैसे भीड़ नियंत्रित हो, कैसे असुविधा न हो, जो आए आगंतुक वो शांतिपूर्वक पुष्पांजलि करें और प्रसाद ग्रहण करें, इसी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आप लोग आगे अपने कैमरे से जरूर देखेंगे, जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जी फिलहाल है निमंत्रण सब तमाम लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन बात अगर हम कर लें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखें? आप देखिए, ये तो आपका अधिकार है, हम आपको निमंत्रित करेंगे, निमंत्रण देना मेरा अधिकार है और स्वीकार करना अस्वीकार करना वो आपका अधिकार क्षेत्र है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजनीति में है और बहुत लंबे समय तक हम समझ रहे हैं कि हमारे अभिभावक स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास जी के साथ भी उन्होंने काम किया है और हमारे देश की एक विभूति हैं जो हमारा देश भी मानता है, और ऐसे बरखी के कार्यक्रम में हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। साफ तौर पर देखिए कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम वो तैयारियां की जा रही है। हुलास पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं और कल जो जितने लोग आएंगे उनके लिए खासा इंतजाम भी किया गया है। मुख्यमंत्री के आमंत्रण स्वीकार नहीं करने को लेकर भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ज़रूर आना चाहिए। बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।